हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम सिक्वेंस मोटर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके द्वारा हम वोल्टेज को जनरेट करेंगे और इससे हम 100 वाट के बल्ब को जलाएंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप सिक्वेंस मोटर पर एक वीडियो बनाओ, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली मोटर का जो शाफ्ट रहता है वो सेंटर में रहता है, लेकिन आप देख सकते हो इस सिक्वेंस मोटर में इसका जो शाफ्ट है वो साइड में है। इसके अंदर जो गियर लगा हुआ रहता है इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इसके कारण इसका जो शाफ्ट है वो साइड में आ चुका है। इसे आप अपने हाथ से नहीं रोटेट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। इसे रोटेट करने के लिए आप इसमें कुछ लगा के या फिर पिला से इसे घुमा सकते हो आप। तो सबसे पहले इसमें मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा वोल्टेज तक ये जनरेट कर पाता है। मल्टीमीटर को यहाँ पर लगा देते हैं और इसे ऑन करके इसे हम एसी मोड पर डाल देंगे वोल्टेज के रेंज पे, ताकि इसका हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि जब हम इसका शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो इसमें एसी वोल्टेज जनरेट होगा और एसी के रेंज पर डालने पर ही ये एसी वोल्ट शो करेगा, क्योंकि ये डीसी में शो तो करेगा नहीं। तो इसे हम लगा दिए और इस दोनों वायर को हम इसके दोनों प्रोब में लगा देंगे। ये जो आप मल्टीमीटर देख रहे हो ये एसटीसी कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है DM90H। इसे हम बहुत दिन से यूज कर रहे हैं और ये अच्छा से काम करता है। इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस स्क्रू के द्वारा हम इसके शाफ्ट को रोटेट करते हैं और देखेंगे ये कितना ज़्यादा वोल्टेज तक जनरेट कर पाता है। आप इसे जितना ज़्यादा स्पीड में रोटेट करोगे उतना ही ज़्यादा ये वोल्टेज जनरेट करेगा। आप मल्टीमीटर के स्क्रीन में देख रहे हो ये इतना धीरे धीरे रोटेट करने पर ही ये 200 के अराउंड वोल्टेज जनरेट करता है, और हम जितना ज़्यादा इसका स्पीड को बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा ये वोल्टेज जनरेट करता है। 391, 354, ये आप देख सकते हो इतना ज़्यादा धीरे रोटेट करने पर ही इतना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। तो इस पर तो 100 वाट का बल्ब आराम से जलेगा, तो चलिए इस पर हम 100 वाट का बल्ब भी जलाएंगे। और ये जो आप मोटर देख रहे हो सिंक्रोनस मोटर, इसके सेंटर में एक मैग्नेट रहता है और चारों बगल से इसका कॉयल लगा हुआ रहता है। आप यदि कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे तो इसे ओपन करके इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन किस तरीका से है और किस तरीका से ये वर्क करता है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब हम प्रोब को निकाल दिए हैं मल्टीमीटर के प्रोब को, अब हम इसमें एक 100 वाट का बल्ब को लगा देते हैं। ये सिंपल सा 100 वाट का बल्ब एक होल्डर में लगा हुआ है और इसका जो दोनों वायर है दोनों वायर को आपस में जोड़ देंगे। और दोनों वायर को जोड़ने के बाद इस तरीका से फैला देंगे दोनों वायर की आपस में टच नहीं हो, यदि टच होगा आपस में तो शॉर्ट सर्किट होगा और इससे मोटर ख़राब हो सकता है और ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो चलिए अब हम इस पेचकस की मदद से हम इसके शाफ्ट को रोटेट करते हैं और देखते हैं ये कितना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। जैसा कि आप देख रहे हो हम इससे कितना ज़्यादा स्पीड रोटेट करें यह नहीं जलता है। इस मोटर के शाफ्ट को हम कितना भी ज़्यादा स्पीड में रोटेट करते हैं ये नहीं जलता है। ये 100 वाट का बल्ब है, इसे हम चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं 9 वाट का बल्ब और इसे हम जला के देखते हैं ये जलता है या फिर नहीं जलता है। ये तो ज़रूर जलना चाहिए और 100 वाट का बल्ब भी जलना चाहिए क्योंकि इससे 300 के अराउंड वोल्टेज जनरेट हो रहा था। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में 9 वाट का जो बल्ब है ये भी नहीं जल पा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं इसके अंदर का राज क्या है, इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, आखिर क्यों नहीं ये बल्ब जलता है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो 200-300 के आसपास जनरेट हो रहा है। इस मोटर जो आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारा कॉयल लगा हुआ रहता है और इसके सेंटर में एक मैग्नेट है। जब हम मैग्नेट को रोटेट करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन इसके अंदर जो वायर का यूज किया हुआ है बहुत ही पतला वायर का यूज किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पतला वायर का यूज करने के कारण इसमें जो एम्पियर जनरेट हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, इसी कारण ये बल्ब नहीं जलता है। किसी भी बल्ब को या फिर लाइट को जलाने के लिए वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर भी चाहिए, इसीलिए वो नहीं जलता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।